हेलो स्टूडेंट्स, इन टुडेज़ लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न सेकेंड स्टैंडर्ड इंग्लिश यूनिट 1 लेसन 4 स्टोरी टाइम दैट इज़ यश एंड मोती. ओके, सो इन दिस लेसन इज द स्टोरी अबाउट अ बॉय एंड हिज पेट एनिमल दैट इज़ अ डॉग एंड हिज नेम एंड डॉग नेम इज मोती. डॉग्स नेम इज मोती. हियर इज मोती, दिस इज मोती एंड दिस इज यश. ओके, सो स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्ट द लेसन, टेल मी वन थिंग, विच इज़ योर मोस्ट फेवरेट एनिमल और बर्ड्स, लाइक एनिमल लाइक काउ, ओके, गोट, एंड एनिमल में क्या आता है, सो डॉग, कैट, दीज आर एनिमल्स. ओके, एनिमल्स. एंड बर्ड्स में आपको क्या, आपके घर में क्या हो सकता है, पैरट हो सकता है, ठीक है, ये आप रख सकते हैं. बहुत लोग हैन भी रखते हैं, और बहुत लोग कोई भी, जैसे अभी छोटी छोटी जो बर्ड्स आती हैं लाइक स्पैरो, ये भी होती हैं स्पैरो, और बहुत सारे होते हैं. तो आपको क्या पसंद है उसमें से, विच इज़ लाइक मोस्ट, सो वो आप बताइए. ओके, सो अब हम पहले इसे पढ़ लेते हैं. आपको यहाँ पे क्या बोला गया है, लिसन एंड रिपीट, यू हैव टू लिसन प्रॉपरली जो मैं पढ़ा रही हूँ, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू रिपीट. तो मैं आपको एक एक वर्ड पढ़ा रही हूँ, आपको अच्छे से देखना है. स्टोरी टाइम, यश एंड मोती. यश वॉज हैप्पी एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ही इज़ वेरी हैप्पी. वाय, सो हम देखते हैं क्यों वो खुश है. हिज मदर बॉट हिम न्यू शूज़, उसकी माँ ने उसके लिए क्या किया, न्यू शूज़ लाया. सी स्टूडेंट्स, व्हेन योर मदर ब्रिंग्स फॉर यू समथिंग न्यू ऑब्जेक्ट लाइक बैग, क्लोथ्स, शूज, सॉक्स, देन यू बिकम हैप्पी एंड इंस्टेंटली यू टू गो सी इट. सो ये भी क्या करेगा, ये बहुत खुश हो गया और जाएगा फटाफट से जाएगा देखने. ही वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो जल्दी से सुबह में उठ गया. वोक अप मीन्स उठ गया. अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह में ही जल्दी वो उठ गया. ही वेंट आउट टू लुक एट हीज न्यू शूज़, वो बाहर गया. ही वेंट आउट मीन्स वो बाहर गया टू लुक, देखने के लिए, एट हीज न्यू शूज़, उसकी उसका न्यू शूज़ देखने के लिए वो फटाफट बाहर आया. उसे पता चला, वो बहुत हैप्पी हुआ कि उसकी माँ ने उसके लिए शूज़ लाया नया. फिर वो जल्दी से सुबह में उठा एंड ही वेंट आउट टू लुक एट हिज न्यू शूज़. ओ नो, ही क्राइड. व्हाई ही क्राइड, देयर इज़ ओनली वन शू हियर, बिकॉज हियर ओनली वन शू. ओके, वो रोने लगा, चिल्लाने लगा कि उसका एक यहाँ पे शूज़ है, एक किधर गया, उसका वन शू, उसका अदर शू किधर गया. ओके, ही लुक्ड एवरीवेयर. ही मीन्स वो यश है, लुक्ड हर जगह पे देखा. एवरीवेयर मीन्स हर जगह पे, लुक्ड मीन्स देखा. उसने हर जगह पे ढूंढा अपने शू को, बट ही कुडंट फाइंड इट. सो सैड, ही कुडंट फाइंड इट, मतलब फिर भी उसे नहीं मिला. उसने बहुत ढूंढा, सब जगह देखा, बट उसे उसका शू नहीं मिला. ही सैट आउटसाइड ऑन अ स्टेप एट सॉफ्ट. सो यहाँ पे वो अपनी स्टेप मीन्स सीढ़ियों पे, सीढ़ी पे बैठा है ना. सो ही सैट आउटसाइड, अपने घर के बाहर में, यहाँ पे देखिए, वो घर के बाहर में स्टेप मीन्स सीढ़ियों पे बैठ गया. एंड सॉफ्ट, सॉफ्ट मीन्स व्हाट, सॉफ्ट मीन्स लाइक ही स्टार्टेड क्राइंग लाउडली, वो जोर जोर से रोने लगा, खूब रो रहा था अपने शू के लिए. उसका न्यू शू आया, ऊपर से उसका एक शू खो गया, तो वो रोएगा ही ना बेचारा. ओके, जस्ट देन मोती केम एंड स्टार्टेड वैगिंग हीज टेल. जस्ट देन, तभी कौन आया, मोती केम. जस्ट देन मोती केम एंड स्टार्टेड वैगिंग. वैगिंग मीन्स व्हाट, सो वैगिंग मीन्स मूविंग टेल वेरी फास्ट. देखो इस तरीके से अपने वो अपने डॉगी लोग ऐसे हिलाते ना, अपने ऐसे मूव करते हैं अपने टेल को. सो वैगिंग मीन्स पूँछ को हिलाना, टेल को हिलाना. मूविंग टेल वेरी फास्ट, साइड टू साइड, साइड साइड ऐसे इस तरीके से वो हिलाने लगते हैं. एंड ही बार्क्ड, और वो भौंकने लगा.
बॉ वॉ, ऐसे ही भौंकते ना वो लोग, ऐसे ही आवाज साउंड निकालते हैं, बॉ वॉ। सो दिस इज डॉगीज साउंड, मोती साउंड। यश लुक्ड एट मोती, यश लुक्ड एट मोती। यश ने किसे देखा, लुक्ड मीन्स देखा किसे, सो यश लुक्ड एट मोती, मोती यश ने मोती की तरफ देखा। मोती हैव यू सीन माई शू, मोती हैव यू सीन माई शू, उसने पूछा। मोती क्या तुमने मेरे शू को देखा है, वो देखो अपना एक शू लेके बैठा हुआ है। बॉ वॉ, मोती बागड, फिर उसने यहाँ पे से रिप्लाई किया बॉ वॉ, तो मोती बागड, मतलब मोती बागड मीन्स वॉट, सो दिस इज डॉगीज साउंड। ओके, बागड मीन्स भौंकना, तो बॉ वॉ करके आवाज़ निकालते हैं ना, दैट मीन्स बागड। एंड रैन टू अ ट्री इन द फ्रंट यार्ड, एंड फ्रंट यार्ड मीन्स कि जो सामने की जो यार्ड, मतलब आंगन जैसा उसका जो एक मतलब ओपन एरिया है उसको बोलते हैं यार्ड। ओके, यार्ड मीन्स ओपन एरिया, दैट मीन्स मोती बागड एंड रैन टू अ ट्री इन द फ्रंट यार्ड, मतलब उसके घर के सामने। फ्रंट यार्ड मतलब सामने, घर के सामने जो उसके ट्री था सामने, वहाँ पे वो गया। यश फॉलोड मोती, सो यश फॉलोड मोती, मतलब यश ने भी उसको फॉलो किया, उसके पीछे पीछे गया। There was a hole under the tree. So as you can see here a hole under a tree. ठीक है, तो पेड़ के नीचे क्या है, एक होल है। यश saw his shoe in the hole. यश ने क्या देखा, अपने शू को होल में देखा। यश saw his shoe in the hole. होल, दिस इज होल, जो यहाँ पे गड्ढा है उसको बोलते हैं होल। अ बिग फैट रैट हैड कैरीड इन देयर, एक बड़ा सा, बिग मीन्स बड़ा, फैट मीन्स मोटा सा, रैट मीन्स चूहा, हैड कैरीड इन देयर, सो एक बड़ा सा मोटा सा जो रैट है वो उसे उस शू को यहाँ पे लेके आया था अपने होल में। यश पिक्ड इट अप, उसने क्या किया, उठा लिया उसे अपने शू को। यश ने पिक्ड इट अप, मतलब यश ने उसे उठा लिया, पिक्ड इट अप मीन्स ऊपर उठा लिया लेके अपने हाथ में अपने शू को। नाउ यश सेड थैंक गॉड, ही सेड, सो हु सेड थैंक गॉड, यश सेड थैंक गॉड, ही द रैट हैज नॉट निबल्ड माई शू, थैंक गॉड द रैट हैज नॉट निबल्ड माई शू। निबल्ड, निबल्ड, निबल्ड मीन्स वॉट, निबल्ड मीन्स टू ईट समथिंग इन स्मॉल बाइट्स, मतलब छोटे छोटे, कैसे को लोग खाते हैं ये कोई चीज़, सपोज़ कि ये शू है तो कैसे खाते हैं चूहे लोग, थोड़ा 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 इस तरीके से काट देते हैं ना इधर से, तो उसको मतलब निबल्ड बोलते हैं। निबल्ड मीन्स कुतरना, ठीक है, निबल्ड मीन्स कुतरना, एंड टू ईट समथिंग इन स्मॉल बाइट्स, स्मॉल स्मॉल बाइट्स में उसे खा लेना, उसे बोलते हैं निबल्ड। माई शू, द रैट हैज़ नॉट निबल्ड माई शू, जो रैट था थैंक गॉड कि उसने मेरे शू को कुतरा नहीं, खाया नहीं। इट इज़ इन गुड कंडीशन, कंडीशन, कंडीशन इज ऑल्सो टफ वर्ड, कंडीशन मीन्स द स्टेट समथिंग इज इन, मतलब कि जैसा था वैसे ही था, गुड कंडीशन में था, मतलब अच्छी कंडीशन में था, वो कुतरा नहीं था उसे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ था, अभी भी अच्छा था उसका शू। सो इसीलिए तो उसने बोला ना, थैंक गॉड द रैट हैज़ नॉट निबल्ड माई शू, जो रैट था उसने मेरे शू को निबल्ड नहीं किया है, मीन्स कट नहीं किया है, कुतरा नहीं है। इट इज़ इन गुड कंडीशन, और ये गुड कंडीशन में मीन्स दिस इज़ द स्टेट समथिंग इज़ इन। बॉ वॉ, मोती एग्रीड, एग्रीड, एग्रीड मीन्स टू से येस, ही इज ऑल्सो से येस, मतलब उसने यहाँ पे रिप्लाई किया उसे। बॉ वॉ, मोती एग्रीड, हाँ ये शूज़ अच्छा ही है अभी भी। थैंक यू मोती, सेड यश, सो उसने किसको थैंक यू बोला, सो मोती को बोला। सो क्यों बोला, क्योंकि उसने उसकी हेल्प की। ओके, मोती हेल्प्ड हिम ना, मोती हेल्प यश। ओके, तो इसके लिए हमारे लिए जो हमारे पेट्स होते हैं, जो पेट्स एनिमल होते हैं हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं, ख़ास करके जो डॉगी होते हैं, काउज होते हैं, काउज भी हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो हमें मिल्क देते हैं, मिल्क से बटर बनाते हैं, योगर्ट बनाते हैं। ओके, कितनी सारी चीज़ें हमें मिलती हैं काउज से। ओके, सो बहुत सारे पेट्स एनिमल्स होते हैं जिसे हम अपने घर पे रख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, सो
here are some questions. Let's see. Okay, find the words in the story which mean. Story में कुछ word दिए गए थे, तो हमने देखा bitten, 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 bitten cut off with teeth. तो teeth से cut करना मतलब हमने देखा था nibbled, nibbled यहाँ पे nibbled. So this is nibbled. Nibbled means what? Nibbled यहाँ पे आएगा. Nibbled means bitten cut off with teeth, मतलब अपने दांतों से कट करना. तो वो जो रैट होते हैं, जो माउस होते हैं, अपने दांतों से ही तो कट करते हैं ना किसी भी थिंग को, किसी भी ऑब्जेक्ट को. वो क्या करते हैं, दांतों से ही काट देते हैं, तो इसके लिए वो चीज़ ख़राब हो जाती है. तो यहाँ पे क्या आएगा, nibbled, यहाँ पे nibbled. ओके, आपको यहाँ पे फील करना है. Cried noisily, cried noisily, मतलब मैंने आपको बताया था कि जोर जोर से रोना, दैट मीन्स sobbed. Sobbed ऊपर में था ना, sobbed यहाँ पे sobbed, sobbed. तो यहाँ पे आपका यह sobbed आएगा. क्यों? क्योंकि इसका मतलब होता है cried noisily, sobbed. Now some question here. Answer in a word or a phrase. आपको एक यहाँ पे क्या करना है, आपको एक phrase में या एक word में आपको इसका answer देना है. Who bought new shoes for Yash? So who bought new shoes for Yash? तो यश के लिए नया shoe कौन लाया? So mother ना, mother लाई थी ना उसकी. Yash mother bought new shoes for Yash. तो यहाँ पे आपको लिखना है, वहाँ पे ऊपर में था ना mother. His mother bought him new shoes. His mother bought him new shoes. तो इसका आंसर आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है. Now second question is, how did Yash feel then? So Yash की फीलिंग कैसी थी उस टाइम? So he was very happy. उस टाइम वो बहुत खुश था. Why was Yash sobbing? वो ज़ोर ज़ोर से रोने क्यों लगा था? क्योंकि उसका जो शूज़ था वो गुम गया था, ठीक है. यहाँ पे क्योंकि उसका वहाँ पे एक ही शू था, देयर इज़ ओनली वन शू एंड ही कूडंट फाइंड अनदर शू, इसके लिए वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा था. हु हैड कैरीड यश शूज इन टू द होल. Who had carried your shoe to the hole? So कौन लेके गया था? So a big fat rat. Okay, a big fat rat carried your shoes to the hole. Now C question is, put the following sentence in the correct order. करेक्ट ऑर्डर में आपको लिखना है. करेक्ट ऑर्डर में क्या करना है, जैसे कि देयर इज ओनली वन शू हियर. सो पहला कौन सा सेंटेंस आया, दैट मीन्स विच सेंटेंस केम फर्स्ट इन द स्टोरी, यू हैव टू राइट इन अ सिक्वेंस ऑर्डर. पहला कौन सा लाइन आया था, यहाँ पे लिखा है देयर इज ओनली वन शू हियर, यश सॉ हिज शू इन द होल, यश फॉलोड मोती, हिज मदर गेव हिम न्यू शूज. तो ये वाला पहला आएगा, दैट मीन्स वन यहाँ पे आएगा. पहले आपको ऐसे लिखना है, ठीक है. पहला कौन सा है, सो दिस इज फर्स्ट लाइन. पहले उसकी माँ ने उसके लिए शूज़ लाया था, उसके बाद कौन सा लाइन आ सकता है, फिर वो उठता है फटाफट, देखता है उसका शूज़ नहीं मिलता, देयर इज़ ओनली वन शू, सो दिस इज़ टू. यश सॉ हिज शू इन द होल, नो, यश फॉलोड मोती, यश फॉलोड मोती, दिस इज थर्ड. ओके, यश सॉ हिज शू इन द होल, सो दिस इज़ फोर. एंड थैंक यू लास्ट में उसने क्या बोला था, फाइव. तो ये लाइन लास्ट में आई थी ना, तो इसलिए आपको जो लाइन पहले आई है पहले उसे करेक्ट ऑर्डर में लिखना है, एक सीक्वेंस ऑर्डर में लिखना है. पहला ये लाइन आया था तो ये लाइन लिखा हमने, उसके बाद ये लाइन आई थी तो ये वाली लाइन लिखी हमने, ठीक है. इस तरीके से लिखना है. अब यहाँ पर कुछ वर्ड दिए गए हैं जिसे कि आपको पढ़ना है और लर्न हो सके तो लर्न भी कर लेना. एस एच ओ ई एस शूज़ मीन्स जूते. मॉर्निंग एम ओ आर एन आई एन जी मॉर्निंग. Sobbed, sobbed sobbed means, sobbed means you know na, sobbed means started crying loudly, to cry loudly, okay. Wagging means moving tails side by side,
मतलब अपने पूंछ को हिलाना, सॉड मीन्स जोर जोर से रोना, बाग्ड मीन्स भौंकना, यार्ड यार्ड मीन्स एक ओपन एरिया, आंगन के जैसा बड़ा एरिया, खुला एरिया, निबल्ड मीन्स कि कट ऑफ विट विद टिथ, तो दांत से कुतरना मतलब निबल्ड, कंडीशन मतलब कंडीशन मीन्स स्टेट समथिंग इज इन, मतलब द स्टेट समथिंग जैसा है वैसा ही रहना, ठीक है, उसी सिचुएशन में रहना, उसी कंडीशन में रहना, मतलब अच्छा ही था तो अच्छा ही रहा उसका कंडीशन, मतलब कि कोई भी किस कंडीशन में था, कौन से स्टेट में था, कौन से स्टेट में है। ओके, नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज़ लैंग्वेज स्टडी, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको कोई भी डाउट रहे तो आप ज़रूर अपनी मम्मी से बोल के, अपने पेरेंट्स से, किसी से भी बोल के आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको इसका आंसर बता दूँगी, ठीक है, कुछ भी अगर आपको डाउट हो। ओके.